नमस्कार, मैं हूं कार्तिकेय शर्मा और टीवी 9 भारतवर्ष में आपका स्वागत है। सियासत की बात पे आज चर्चा की जाएगी लॉकडाउन को लेकर जो राजनीति हो रही है। साल भर पहले देश में लॉकडाउन लगा था, तमाम मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये गुहार लगाई थी कि देश में लॉकडाउन लगना जरूरी है, नहीं तो कोरोना से नहीं लड़ा जाएगा। और फिर प्रधानमंत्री मोदी ने एक कड़ा लॉकडाउन लगाया। जब ये लॉकडाउन लगाया तो जिंदगी थम गई, लोगों के धंधे व्यापार रुक गए, लोग घर से बाहर नहीं जा सके। आप कह सकते हैं एक नया जीवन देखा लोगों ने। लेकिन उसके बाद जमकर राजनीति हुई। जो राज्य सरकारें थी विपक्ष की, वो कहने लगी भाई लॉकडाउन लगाने का फैसला तो हमारा होना चाहिए, हम सरकारें चला रहे हैं, हम छत्तीसगढ़ में, हम मध्य प्रदेश में, हम उड़ीसा में, हम तय करें। लेकिन जब फैसला कड़ा था, यानी आपको जब कड़ी घुट्टी पिलानी थी लोगों को, तब वो फैसला केंद्र से कराया। उसके बाद हो गई लड़ाई घूम फिर के लोकतंत्र पे कि भाई लॉकडाउन के बहाने आप लोकतांत्रिक प्रक्रिया को हल्का कर रहे हैं, यानी लोग बाहर नहीं आ सकते, प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। और उसके बीच में हुआ गरीब लोगों का पलायन दिल्ली से, मुंबई से, लोगों का दिल दहल गया। लेकिन देखिए नतीजा क्या हुआ। नतीजा ये हुआ कि जो देश लॉकडाउन और उसके बाद जो तमाम दो गज की दूरी और जो कैंपेन थी, इस कोरोना पे एक तरीके से कब्जा पाने में काबू हुआ, वो हाथ बात से निकल गई। और आज देखिए, आपको सारे नियम लगाने हैं पोलिंग बूथ पे। अगर वोट डालने जाएंगे तो वहाँ आपको 6 गज की दूरी चाहिए, 2 गज की दूरी चाहिए और 6 फीट आपको दूर रहना पड़ेगा। मंदिर जाएंगे तो आपको फिर दूरी चाहिए, आप फिर 2 गज की दूरी बनाइए। लेकिन जब रैली होगी तो कोई भी आपको नियम पालन नहीं वहाँ आपके लिए है। अगर आप रोड शो करेंगे तो वहाँ किसी तरह का नियम नहीं है। अगर किसी आप पॉलिटिकल मीटिंग में जाएंगे तो वहाँ कोई नियम नहीं है। पर सारे नियम कहाँ हैं? जिमनेजियम में हैं, शादी के लिए हैं, आप फिल्म हॉल के लिए हैं, मॉल्स के लिए हैं, खाने की जगह हैं, लेकिन रैलीज़ के लिए नहीं है। क्योंकि अब जो विपक्ष के दल हैं वो भी कुछ नहीं कहते हैं। आप महाराष्ट्र में देखिए, यानी महाराष्ट्र में लॉकडाउन को लेके जो अगाड़ी है उसके बीच में मतभेद हो गया है। यानी बीजेपी इस वक्त उस सुर में बात कर रही है जिस सुर में उद्धव ठाकरे बात कर रहे हैं, और जो NCP है वो अलग सुर में बात कर रही है। वो कह रही है कि भाई लॉकडाउन की ज़रूरत नहीं है। अब कोई भी बड़ा नेता, ना केंद्र का ना राज्य सरकार का, लॉकडाउन की बात नहीं करता, लेकिन फिर भी कहता है कि कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे ये फैले नहीं। हमारे देश में वही चीज़ होने लगी है जो एक साल पहले अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी में थी। लोग वैक्सीन लगवाने से डर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद को वैक्सीन लगाई है, लेकिन अब वहाँ लोग जाना नहीं चाह रहे हैं। तो ये जो लॉकडाउन और जो कोरोना को लेकर जो राजनीति हुई है इस देश में, उसका नुकसान आम लोगों को उठाना पड़ रहा है। और ये बात सियासत की बात पे आज मैंने इसलिए उठाई क्योंकि जब भी आपदा होती है तब तमाम राजनीतिक दल एक साथ आते हैं। जब दुनिया में जो युद्ध हुआ, पहला World War I जिसे हम बोलते हैं, या दूसरा World War II जिसे विश्व युद्ध बोला जाता है, तो विपक्ष और पक्ष ने मिल के युद्ध लड़ा था। वॉर कैबिनेट बन जाती है। ये किसी युद्ध से कम नहीं है कोरोना। हमारा हाल बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसे अमेरिका में प्रेसिडेंट ट्रंप के दौरान था। वो मानने को तैयार ही नहीं थे कि कोरोना कोई बहुत बड़ी चीज़ है। इंजेक्शन लगवाने को तैयार नहीं थे, और उसके बाद जब बीमार पड़े तो 4 दिन बाद कैंपेन में लौट आए। यही हालत आप फ्रांस की देखिए कि दोबारा से तीसरा लॉकडाउन है। आप UK में देखिए, बड़ा लॉकडाउन लग रहा है। पूरा यूरोप में लॉकडाउन है, लेकिन वहाँ लोग बात मानने को तैयार नहीं। यहाँ लोग बात मान रहे थे सरकार की, लेकिन राजनीतिक दल एक दूसरे से बात करने को तैयार नहीं थे। तो जो लॉकडाउन और कोरोना को लेकर जो राजनीति हुई है, उसको लगता है कि आज वक्त आया है कि राजनीतिक दल समन्वय बनाएं, एक दूसरे से बात करें, छोटी राजनीति ना करें। क्योंकि अगर ये कोरोना और फैला तो ना केवल हमारी अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ेगा, लेकिन जिसे कहते हैं लॉन्ग कोविड सिंड्रोम, यानी कोरोना से हो सकता है आप ठीक हो जाएं, लेकिन मेमोरी लॉस होना, मसल फंक्शन कम होना, याददाश्त चला जाना, घुटनों में दर्द रहना, फेफड़े खराब होना, और जिसे कहते हैं इसका असर जो अगर माँ के पेट में बच्चा है क्या हो उसके बारे में तो पता ही नहीं है। तो कोरोना की लड़ाई बड़ी है। कोरोना की लड़ाई केवल ये नहीं कि आपको बुखार हुआ और आप ठीक हो गए और आपके फेफड़ों को कुछ नहीं हुआ। अगले 6 महीने में कोरोना आपकी क्या हालत करेगा, ये आज वैज्ञानिक भी नहीं बता सकते। तो ये वक्त है कि इस तरह की ओछी छोटी राजनीति खत्म हो
और जो नियम हो सबके लिए बराबर हो। अगर मंदिर जाने के लिए अगर केवल 20% है तो ये रैलीज भी बंद होनी चाहिए, ये रोड शो भी बंद होने चाहिए। तो ये नियम सबके लिए बराबर होने चाहिए। सिर्फ आपको चुनाव लड़ना है तो आपके लिए एक नियम, अगर किसी को मंदिर जाना है तो उसके लिए दूसरे नियम, किसी को बेटी ब्याहनी है तो तीसरे नियम, लेकिन आप अपनी पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस कर लें तो कोई नियम नहीं। तो मुझे लगता है कि ये जो दो दो तीन तीन नियम अलग अलग वर्गों के लिए बन रहे हैं ये बंद होने चाहिए। ये आपदा का वक्त है, ये युद्ध जैसी स्थिति है। तो आज सियासत की बात में इतना ही, पर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।